तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यार डंजो का ऐप काम कैसे करता है और डंजो का बिजनेस मॉडल क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यार डंजो के पीछे आइडिया क्या है, कैसे फाउंडर्स ने डंजो की शुरुआत करी, शुरुआत में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे उन्होंने उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया और अब इतनी बड़ी कंपनी बनी। उस वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो ये इसलिए उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें मेनली हम बात करेंगे कि यार डंजो का ऐप काम कैसे करता है और उनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो पहले आप वो वीडियो देख लो ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आए। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, डंजो में आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। जैसे अगर आप घर पे या कहीं पर कोई सामान भूल गए हो, अपना फ़ोन का चार्जर भूल गए हो, कहीं चाबी भूल गए हो, तो वो आपके लिए आके पिकअप करके आप जहाँ चाहते हो वहाँ ड्रॉप कर लेंगे। आप कोई भी सामान मंगवा सकते हो, चाहे रेस्टोरेंट से खाना हो, कोई ग्रॉसरी हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो, पेट के लिए सामान हो, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको फोटोकॉपी करवाना है वो भी वो आपके लिए कर लेंगे। तो काफ़ी कुछ काम वो करते हैं। तो जब भी डंजो ऐप में कोई ऑर्डर आता है वो पहले उनको कैटेगराइज करते हैं कि भाई ये ऑर्डर किस टाइप का है। क्या ये पिक एंड ड्रॉप का ऑर्डर है, क्या इसमें कुछ रिपेयर करने का काम है, क्या ये कोई डिलीवरी का ऑर्डर है। उसके बाद जब उन्होंने कैटेगराइज किया, अब उसको फिर सब कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि यार अगर इसका कोई डिलीवरी का ऑर्डर है, क्या ये रेस्टोरेंट डिलीवरी है, क्या कोई ग्रॉसरी का सामान डिलीवर करना है, क्या कोई मीट प्रोडक्ट डिलीवर करना है, क्या एग्जैक्टली डिलीवर करना है। उसके बाद जब उन्होंने सब कैटेगराइज कर लिया, उसके बाद उनका एल्गोरिथम चलता है और वो डिसाइड करते हैं कि यार कौन से डिलीवरी पार्टनर को ये काम असाइन होना चाहिए। ये बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि यार डिलीवरी पार्टनर अभी कहाँ है, काम कितना कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स काम हो कि यार एक डॉक्यूमेंट को लेकर फोटोकॉपी करवा के भिजवाना है, तो यार वो एक ऐसे डंजो पार्टनर को असाइन होगा जिसने काफ़ी टास्क डंजो पे किए हैं। तो कई सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है कि यार किस डंजो पार्टनर को कौन सा काम असाइन होता है। फिर डंजो पार्टनर असाइन होने के बाद वो कंफर्म कर लेते हैं कि क्या सामान खरीदना है या क्या सामान भिजवाना है। अगर कोई सामान खरीदना हो तो यार उस आइटम के लिए पेमेंट हो गई है या डंजो का पार्टनर जो डंजो का प्रीपेड कार्ड है उससे पेमेंट होगी, तो कहां से पेमेंट होगी वो सब डिसाइड होता है। उसके बाद डंजो पार्टनर अपना काम करना शुरू करता है, तो फिर वो उस लोकेशन में जाता है। अगर कोई सामान खरीदना है फिर वो सामान खरीदता है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डंजो चैट पर काफी ज्यादा फोकस करता है। तो अगर आपने कोई सामान मंगवाया हो तो डंजो का पार्टनर उस दुकान में जाएगा और फिर उस सामान की फोटो खींच के आपको भेजेगा कंफर्म के लिए कि हाँ भाई यही सामान आपको चाहिए कि नहीं, नहीं कोई और सामान चाहिए। कि यार अगर वो स्पेसिफिक सामान नहीं है तो वो आपको ऑप्शंस भेजेगा कि भाई ये दो तीन ऑप्शन है, आप बताओ कि यार आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। तो उसके बाद चैट में ही कस्टमर कंफर्म कर लेता है कि हाँ यार मुझको ये सामान चाहिए, तो फिर वो डंजो का पार्टनर उसको खरीद लेता है। तो वो बिलीव करते हैं कि यार हमेशा अगर आप कॉल करोगे तो कस्टमर इरिटेट हो सकता है, क्या पता वो काम कर रहा हो और आप कॉल करके पूछ लो, इसलिए वो चैट पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिर उनका सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहता है कि यार अभी डंजो का पार्टनर कहाँ पहुंचा, उन्होंने खरीदा कि नहीं, डिलीवरी करने गया तो कहां तक पहुंचा। अगर कोई जगह पे वो काफी टाइम तक रुक गया तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन जाता है डंजो पार्टनर के पास। फिर भी अगर डंजो पार्टनर का कोई रिप्लाई नहीं आता है तो फिर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है और फिर डंजो का कोई बंदा कॉल करके पूछता है कि भाई सिचुएशन क्या है, क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों ऑर्डर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो पहले क्या होता था, मोस्टली सब मैनुअल होता था, पर अब उन्होंने ऑलमोस्ट 80% ऑफ द काम ऑटोमेट कर दिया है। ऑटोमेट करेंगे तो यार काम जल्दी भी होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस हो गए और इवेंचुअली वो प्रॉफिट भी ज्यादा कमा पाएंगे। अभी इसलिए उन्होंने डिलीवरी टाइम काफी रिड्यूस कर लिया है। पहले तो करीब 45 मिनट्स लग जाते थे एक ऑर्डर को डिलीवर होने में, अब उनका एवरेज 35 टू 38 मिनट्स है और अभी उनका एम है कि यार एवरेज ऑर्डर 30 मिनट से कम टाइम में डिलीवर हो जाना चाहिए। उन्होंने गुड़गांव में बाइक टैक्सीज भी शुरू कर दिए जहां वो रैपिडो, उबर मोटो, ओला बाइक इन सब के साथ कंपीट कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि यार एक एरिया से ज्यादा ऑर्डर आ रहे होते हैं पर वहां पर उतने डिलीवरी पार्टनर्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं उस एरिया में अपने इंसेंटिव्स बढ़ा देते हैं ताकि यार डिलीवरी पार्टनर्स वहां पर जाके काम करें और वो ज्यादा पैसे कमा पाए। तो इससे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा कि यार डंजो का ऐप कैसे काम करता है। ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, काफी एल्गोरिथम लगते हैं, काफी बैकएंड में काफी प्रोसेसेस होते हैं, तभी वो इतने सारे ऑर्डर एक दिन में डिलीवर कर पाते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं यार उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। डंजो कई तरीके से पैसे कमाता है। एक तो यार उनका डिलीवरी चार्जेस होता है, तो कई महीनों पहले उनका डिलीवरी चार्ज था 45 रुपीज़ 3 किलोमीटर के लिए और उसके बाद हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 15 रुपये। अभी वो शायद चेंज हो गया, ये मैं आपको कुछ महीनों पहले की बात कर रहा हूँ। और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है कमीशन्स जो वो अपने पार्टनर स्टोर से लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई कस्टमर एक सामान मंगवाता है वो सिर्फ सामान मंगवाता है, वो बताता नहीं कि यार आप इस स्पेसिफिक स्टोर से मेरे लिए सामान मंगवाओ। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार वो जो सामान है वो उनके कौन से पार्टनर स्टोर्स में अवेलेबल है और वहाँ से खरीदते हैं। तो जो
टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है उसका 8-10% डंजो लेते हैं, क्योंकि यार वो उनके लिए ऑर्डर्स लेके आए हैं, तो उससे उनका मेजोरिटी इनकम होता है। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो बोलते हैं कि यार हमें ये प्रोडक्ट इस स्पेसिफिक स्टोर से चाहिए, पर नॉर्मली कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट बताते हैं, स्टोर आप जहां से भी लाना है ले आओ। फिर आता है उनका सर्च प्राइसिंग। सर्च प्राइसिंग के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, ओला उबर वो भी सर्च प्राइसिंग करते हैं। तो जब डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है और उनके डिलीवरी पार्टनर्स कम होते हैं तो सर्च प्राइसिंग हो जाती है, मतलब डिलीवरी प्राइस बढ़ जाता है। तो जब डिलीवरी प्राइस बढ़ जाता है तो उससे डंजो भी कमाता है। सर्च प्राइसिंग वेरी करता है, कभी 1.5x होता है, कभी कभी तो 2.5x भी हो जाता है। करेंटली डंजो हर ट्रांजेक्शन में 25 रुपए कमा रहा है और अब वो धीरे धीरे नए नए सिटीज में एक्सपैंड कर रहे हैं और अपने नए नए सर्विसेज भी लेके आ रहे हैं। अगर आप मेरे स्टार्टअप न्यूज के वीडियोस को फॉलो करते हो, अभी डंजो अपना सीरीज सी राउंड कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने $3 मिलियन से भी ज्यादा रेस कर चुके हैं अभी अपने सीरीज सी राउंड में। ये राउंड अभी चल रहा है तो वो अभी और भी पैसे रेस करने वाले हैं। डंजो अच्छी तरीके से चल तो रहा है, उनके मेट्रिक्स भी काफी अच्छे हैं, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार वो स्केल अप कितने अच्छी तरीके से कर पाएंगे और उसके बाद वो प्रॉफिटेबल हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि यार वो लॉजिस्टिक्स भी मैनेज करते हैं और लॉजिस्टिक्स को स्केल अप करना और प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। पर देखते हैं यार, होपफुली डंजो इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल ही लेगा। एक मेजर एडवांटेज उनका ये है कि यार वो वर्टिकली फोकस्ड स्टार्टअप नहीं है, मतलब ये नहीं है कि यार वो सिर्फ बोलेंगे हम ग्रोसरी डिलीवर करेंगे या सिर्फ मीट डिलीवर करेंगे या सिर्फ हम खाना डिलीवर करेंगे, वो कुछ भी डिलीवर कर सकते हैं। मेन तो उनका ये कि लॉजिस्टिक्स है, ऑपरेशंस है, कस्टमर सर्विस है, कितने कम टाइम में वो आपका काम कर पा रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस है। तो अगर वो ये सबको सही से स्केल कर पाए फिर तो यार वो और भी काफी डिफरेंट टाइप की चीजें डिलीवर कर पाएंगे। अभी भी क्योंकि यार वो इतने डिफरेंट टाइप की चीजें डिलीवर करते हैं, इसलिए एक इंसान जो एक बार डंजो यूज करता है वो एक फ्रीक्वेंट कस्टमर बन जाता है डंजो का। शुरुआत में कस्टमर ने डंजो इसलिए यूज किया होगा क्योंकि यार वो कोई सामान भूल गया हो, और उसके बाद वो फ्रीक्वेंटली यूज करने लग जाता है, कभी ग्रोसरी मंगवाने के लिए, कभी खाना मंगवाने के लिए, कभी कुछ और मंगवाने के लिए। तो जितना फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होता है और जितने टाइम के लिए वही सेम कस्टमर रहता है डंजो के लिए, वो कस्टमर उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डंजो क्या करता है कि यार आप उनके ऐप में सर्च भी करोगे, फिर आप पे भी करोगे और फिर आपके वहां सामान डिलीवर भी हो जाएगा। वो तीनों चीजें करते हैं, वो ऑर्डर लेते भी हैं और उसका फुलफिलमेंट भी करते हैं। उनका एम है कि यार आप सिटी के कोई भी दुकान से ऑनलाइन डंजो से सामान मंगवा सकते हो, और ये बहुत बड़ा एम है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हर एक गली हर एक नुक्कड़ में कई सारे दुकानें होते हैं, तो सबको अपना प्लेटफॉर्म में लाना और सही से एग्जीक्यूट करना ये काफी बड़ा टास्क है, पर होपफुली डंजो कर पाएगा। एक और जो इश्यू होता है कि यार डिमांड एंड सप्लाई का, एक स्पेसिफिक जगह से ऑर्डर ज्यादा आ गए पर डिलीवरी पार्टनर्स नहीं है, दूसरे जगह में डिलीवरी पार्टनर ज्यादा है पर ऑर्डर्स कम है, तो डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना भी इतना आसान काम नहीं है। पर होपफुली डंजो इसका भी सोल्यूशन निकाल ही लेगा और आगे देखते हैं कि यार डंजो और कितना एक्सपैंड कर पाता है और कितना ग्रो कर पाता है। तो दोस्तों, आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि यार मैं इस चैनल को भी एक स्टार्टअप की तरह चला रहा हूं, तो चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना, तभी हमारा स्टार्टअप ग्रो होगा, और घंटे को भी याद से दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। कमेंट्स में ये भी बताओ कि यार आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो। मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां भी मुझे फॉलो कर लेना। आगे हम ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जगत की बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।